गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नो विश्वजीत। तो गाइज लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चार्जिंग एनिमेशन थीम जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और इस थीम का नाम है यंग फॉरएवर जो कि एक बहुत ही पॉपुलर थीम भी है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल में हाईली कस्टमाइज थीम को यूज़ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज अपने मोबाइल में इस थीम को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, यहाँ पर मैंने इस थीम का लिंक दे दिया है। ये जो थीम फाइल है आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर मीडियाफायर का भी लिंक दिया है, साथ साथ गूगल ड्राइव का भी लिंक दिया है। तो आप चाहे तो गूगल ड्राइव से इस थीम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मीडियाफायर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थीम फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको बैक जाना है, यहाँ पर आपके मोबाइल में जो फाइल मैनेजर है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक करना है कि आपके जो फाइल मैनेजर है उसके सेटिंग में ओपन करके यहाँ पर जो डिस्प्ले हिडन फाइल का ऑप्शन है ये आपके में हो सकता है अनेबल होगा तो इसको इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद बैक जाना है, यहाँ पर आपको उसके बाद अपने मोबाइल में यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर को ओपन करना है। तो डाउनलोड के फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जिस APK को डाउनलोड किया था वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने फोल्डर को डाउनलोड किया था यंग फॉरएवर ITZ, इसको हमें यहाँ से होल्ड करना मतलब प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी करना है, बैक जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च के बटन पे DWD फोल्डर को सर्च करना है। यहाँ पर DWD फोल्डर को सर्च करने के बाद DWD फोल्डर आ गया है, यहाँ पर आपको बार बार क्लिक करते रहना है। जब यहाँ पर 4-5 फोल्डर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 फोल्डर आ चुके हैं। 6 फोल्डर आने के बाद यहाँ पर जो T फोल्डर है T फोल्डर पर क्लिक करने का है। और उसके बाद अभी जो हम लोगों ने फोल्डर को यहाँ पर कॉपी किया था उसको यहाँ पर नीचे जो पेस्ट का बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेस्ट का बटन है उसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने इस फाइल को पेस्ट कर दिया तो कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद जाना है हमें बैक, उसके बाद हमारे मोबाइल में जो आई थीम है उसको यहाँ पर ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा जो आई थीम है ओपन हो जाएगा, लोकल पर जाना है। और एक चीज़ आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर जो सेटिंग का आइकन है सेटिंग के आइकन पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट वर्जन रहना चाहिए आपका जो आई थीम का वो रहना चाहिए वर्ज़न 6.0.0.0। अगर आपका ये वर्ज़न इससे अपडेटेड है तो एक बार आपने मोबाइल में इस वर्ज़न का जो APK है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ध्यान में रखिएगा अगर आपका इससे ज़्यादा वर्जन अपग्रेडेड रहेगा तो आप में आप जितने भी आपने थीम को यहाँ पर पेस्ट किया है वो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप इस वाले जो वर्ज़न है उसके APK को डाउनलोड कर लीजिएगा, YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है लोकल थीम्स में, लोकल थीम्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यंग फॉरएवर थीम है जो कि देखा जाए तो बेस्ट थीम है वो यहाँ पर मिल जाएगा फ्री में। और यहाँ पर चाइनीज़ में लिखा गया तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जो यहाँ पर साइज़ है इस थीम का वो है लगभग 12 MB, तो सिंपली हमें इसको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों थीम को अप्लाई करने के बाद हमारे मोबाइल में थीम अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप थीम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा थीम है। जो यहाँ पर वॉलपेपर यूज़ किए गए हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। और जिन लोगों को एक ब्राइट थीम चाहिए, एक लाइक कलरफुल थीम चाहिए, उनके लिए ये थीम बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर ब्राइट थीम चाहते हैं तो एक बार आप इस थीम को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कीजिए एक बार, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद बात करें आइकन्स के बारे में तो आइकन पैक तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइकन पैक है। बहुत ही यहाँ पर स्क्वायर और कुछ सर्कल टाइप में यूज़ किया गया जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और छोटे छोटे आइकन्स हैं, जिनको छोटे छोटे आइकन्स अच्छा लगता है वो इस थीम को एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल भी यहाँ पर थोड़े मोड़े चेंजेस किए गए हैं। जो यहाँ पर बटन्स वगैरह आप देख सकते हो उसमें थोड़ा कलर ऐड किया गया है, थोड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो नॉर्मल कंट्रोल पैनल उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद बात करें स्टेटस बार के बारे में तो यहाँ पर भी चेंजेस किया गया, जो सिंगल यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चेंज किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बैटरी आइकन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कलरफुल में दिखने को मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद बात करें नोटिफिकेशन पैनल के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें भी यहाँ पर वॉलपेपर को ऐड किया गया जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके बाद बात करें कॉल इंटरफेस के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉल लॉग है आपको कुछ इस तरह का दिखने को मिलता है। यहाँ पर वॉलपेपर भी आप देख सकते हैं जो यूज़ किया गया थीम में वहीं यहाँ पर बैकग्राउंड में शो हो रहा है। उसके बाद बात करें मैसेजेस के बारे में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आपको दिखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें सेटिंग के इंटरफेस के बारे में
तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर जो भी आप जितने भी इंटरफेस खोलेंगे वहाँ पर सभी जो यहाँ पर ओरिजिनल वॉलपेपर यूज़ किया गया थीम में वही आपको शो होगा। उसके बाद देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आपको दिखने को मिल रहा है। तो गाइस जिनको भी अच्छा लगा है थीम भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और थीम पसंद आया तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करी ये जो थीम है उसका जो मेन खासियत है वो है इसका लॉक स्क्रीन। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या है ऐसा खास लॉक स्क्रीन में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको सिंपल सा लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नीचे साइड में आपको कुछ बटन दिए गए जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप लॉक स्क्रीन के लुक को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक तरह का लॉक स्क्रीन मिलता है, यहाँ पर आप दूसरी तरह का लॉक स्क्रीन को चूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह का आपको अलार्म शो होगा, और जो पहला था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉक शो कर रहा था। उसके बाद जो तीसरा है यहाँ पर आप जो डार्क, अगर आप डार्क थीम चाहिए आपको कुछ इस तरह का जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह चाहिए थीम, तो वो भी आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन को चूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन के जो वॉलपेपर्स हैं, यहाँ पर जो वॉलपेपर यूज़ किया गया उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो वॉलपेपर है, अभी मैंने यहाँ पर जो वॉलपेपर यूज़ किया है आप इसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे, यहाँ पर आपको 6 तरह के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है। और गाइस अब बात करें इस थीम के चार्जिंग एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग अपने मोबाइल को चार्ज में लगा लेते हैं और चार्ज में लगाने के बाद बूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का चार्जिंग एनिमेशन दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यंग फॉरएवर भी शो हो रहा है, और जो यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन आपको कुछ MIUI 12 की तरह दिखने को मिल रहा है। और बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन है उसमें यहाँ पर कोई भी बग नहीं है, बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। आपने कई सारे ऐसे थीम देखे होंगे जहाँ पर जो चार्जिंग एनिमेशन है उस वो बहुत रुक रुक के वर्क करता है, लेकिन ये जो चार्जिंग एनिमेशन है बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये थीम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अगर आपको इस तरह के और भी बहुत सारे थीम्स के रिलेटेड वीडियोज़ देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि थीम के रिलेटेड कोई और भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको हमारे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।